नमस्कार मित्रों, आज हम जा रहे हैं आपको केदारनाथ के दर्शन करवाने। मित्रों, आज हम करने वाले हैं श्री केदारनाथ जी के भव्य स्वरूप के दर्शन। बाहर से ही काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है, अंदर से कैसा लग रहा होगा। अब यहाँ पर हम जूते चप्पल उतारेंगे क्योंकि बहुत भीड़ है, शायद कोई जूते चप्पल गायब ना कर दे। काफ़ी सुंदर चप्पल है मेरी। काफ़ी सुंदर डेकोरेशन की गई है, रियल लग रहा है एकदम। वाह, लग रहा है असली केदारनाथ में पहुंच चुका हूं मैं। तो ये हैं हमारे प्यारे श्री नंदी जी। माता सती के देह त्यागने के पश्चात भगवान शिव वैरागी हो गए थे और फिर वो ध्यान में लीन हो गए थे और शिव जी के साथ ही नंदी जी भी उनके समक्ष बैठ गए थे। जब शिव जी ने अपना ध्यान त्यागा तो उन्होंने नंदी जी को यह आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी उनकी मूर्ति होगी या शिवलिंग होगी उसके सामने श्री नंदी जी हमेशा विराजमान रहेंगे। मित्रों, अभी हम जा रहे गुफा के अंदर प्रवेश करने। जय महाकाल। काफी एक्साइटेड हूँ कि अंदर कैसा होगा सब कुछ। चलो फिर, अभी घंटे बजा के अटेंडेंस लगा देता हूँ। अंदर की सीन कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? पास से देखना चाहता हूँ पर क्या कहूँ, जा नहीं सकता। वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, अगर वहाँ चला गया ना तो इतनी चप्पलें पड़ेंगी कि मैं चप्पलों की दुकान खोल लूँगा। दूर से ही देखता हूँ। पर श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, शिव जी और माता जगदम्बिका विराजमान हैं।
जोड़ी इन द वर्ल्ड, ये जोड़ी सबसे बेस्ट है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की एक अद्भुत झांकी दिखाई गई है। मैं किसी सुंदर जगह पर जाऊँ और फोटो शूट ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए आपको भी 2-4 फोटो दिखाई देता हूँ। आपको सबसे प्यारी फोटो कौन सी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो सारी ही प्यारी लग रही है। ये वाले तो मेरे फेवरेट हैं, ये भी अच्छी, ये वाली भी, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। बढ़िया, गुफा के अंदर की, ये गुफा के अंदर की पिक है। ऐसे खड़ा होना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादा फोटो देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ना। अभी हम यहाँ से घर जाने वाले हैं, 12 बज चुके हैं और हम अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार प्रसाद मिल ही गया, जय महाकाल। सो अभी मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और लव करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।